बीपीएससी में 1465 रैंक लाने वाली रजिया सुल्ताना हमारे साथ में है। रजिया जी, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको कि बिहार का नाम रोशन किया और बीपीएससी में 1465 रैंक लाई। कैसा लगता है? जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा फील हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि हाँ अब मैं एक सिविल सर्वेंट बन चुकी हूँ, आगे मुझे लोगों से जुड़ने का, उनकी सेवा करने का मौका मिला है। कितना बड़ा चैलेंज था एक लड़की होकर के जॉब करते हुए बीपीएससी की तैयारी करना, घर का कितना सपोर्ट रहा? बहुत चैलेंजिंग था, बहुत डिफ़िकल्टीज आई, बीच में ऐसे भी लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन घर का पूरा पूरा सपोर्ट रहा घर वालों का और फाइनली मैंने ये पास कर लिया एग्ज़ाम। क्या सोचकर बीपीएससी को आपने ये किया? शुरू से मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी, बचपन से ही मेरी ये मेरा ख्वाब था, तो मुझे लगा कि अब जब मुझे मैं यहाँ पे जॉब लग गई मेरी बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन में, तो मुझे लगा कि अब मैं अपने सपने को आगे की तरफ लेके जा सकती हूँ, तो फिर मैंने इसकी तैयारी शुरू की और धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत चैलेंजिंग भी रहा, मुश्किलें भी आई पर हो गया। समाज के खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को और खासकर जो लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। परसीवियरेंस और सिंसियरिटी रखें, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी भी चैलेंजेस जो होते हैं वो हमें हमेशा सिखाते हैं, एक मजबूत इंसान बनाते हैं। तो कभी भी मुश्किलें आएँ या कोई चैलेंजेस फेस करें तो उसको नेगेटिवली नहीं लेना, उसे पॉजिटिवली लेकर और उसी में आगे बढ़ते चले जाना है। डीएसपी की रैंक पे आपने शायद आपकी नियुक्ति हुई है, ये बहुत बड़ा प्रोफाइल है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, कैसे निभाएंगे? बिल्कुल, अभी तो इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी हमें यहाँ पे बिहार पुलिस एकेडमी में, उसके बाद एज अ ट्रेंड ऑफिसर मेरी जहाँ भी पोस्टिंग होती है वहाँ पे मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगी। ये थी हमारे साथ में रजिया सुल्ताना, गोपालगंज सिवान से ताल्लुक़ रखती हैं और बिहार में 1465 रैंक ला चुकी हैं और डीएसपी बनने के लिए तैयार हैं। तो ख़ासकर मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों से और बच्चियों से ये आग्रह करूंगा कि रजिया सुल्ताना की तरह बने और अपने बिहार का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, द एक्टिविस्ट फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।